तुझसे किया है दिल ने बयान, किया निगाहों को जुबान, वादा वफा का किया तुझसे, लिया है खुद को मिला, लिया दुआओं का सिला। थैंक यू कुणाल। थैंक यू किस लिए मेघना? तुमने मुझे अच्छा खाना खिलाया और मुझे गोद में भी उठाया। अब मेरी हरियाली तीज बहुत अच्छी जाएगी। हाँ हाँ, तुम्हारी तीज तो अच्छी गुजरेगी, लेकिन मेरी हालत खराब हो रही है तुम्हें उठाते उठाते। ऊपर से लगता है खाना खा खा कर तुम्हारा वजन बढ़ गया है। काफी दिनों से नैना करण की टेंशन और लंबे ड्रामे के बाद एक बार वापस लौटा है मेघना कुणाल का रोमांस। लेकिन आज इनका रोमांस है सबसे अलग, क्योंकि इनके रोमांस की चाबी खुली है इस खाने से, इन 21 प्रकार के पकवानों से। 21 डिशेस बनवाई थी मैंने इनके लिए और इन्हें बताना था कि वो कौन सी डिश है। एक्चुअली उसके अगले दिन मैं निर्जरा व्रत करने वाली हूँ जी। मैंने अभी खा ले, ढूंस ले बेटा, जितना ढूंसना अभी खा ले। आज ही खिला देता हूँ तो कल मेरे पीछे मत पड़ना कि मैं भी तेरे साथ व्रत रखूँ। नहीं, मैं तो रखने के, कुणाल तो रेडी होगा तैयार। बट हाँ, एक चीज थी कि इसने अब आज के दिन ही 21 मटके ऐसे रख कर बहुत खूबसूरत नाची है ये, तो मैंने कहा अब बनता था ना कुछ, इनके लिए भी कुछ करना बनता था, तो इसलिए इतना अच्छा सा सरप्राइज दिया। दरअसल मेघना रखने वाली है कुणाल के लिए हरियाली तीज का व्रत। कुणाल भी निभाने चला है पति होने का फर्ज, इसीलिए व्रत से एक दिन पहले मेघना के लिए उसने बनवाए हैं ये 21 पकवान और उसकी आंखों में पट्टी लगाकर उसे एक एक कर ये सारी डिशेस खिला रहा है और मेघना इनके नाम गेस कर रही है। अरे वाह वाह, यहाँ तो रोमांस के साथ साथ गेम भी हो गया। वैसे कुणाल, मानना पड़ेगा ये सरप्राइज तो सचमुच बिल्कुल हटकर है। हाँ, मतलब जब से शो शुरू है कुणाल बहुत सरप्राइज देता रहता है मेघना को रेगुलर इंटरवल्स पे। बीच में भी काफी टाइम से ठंडा हो गया था, एंड अगेन कुणाल इज बैक। स्टाइल ऑफ इट वैसे। सरप्राइज के बाद हमें मिला एक और सरप्राइज जब मेघना तीज के लिए तैयार होकर आई। सचमुच आज तो कहना पड़ेगा कि मेघना को किसी की नजर ना लगे। इस लुक की वजह है हरियाली तीज की पूजा, जहाँ पे हमें बिल्कुल दुल्हनों की तरह रेडी होना था, तो बस मैं तैयार हो गई हूँ। तो इट्स अ लहंगा विद टू दुपट्टास, एक दुपट्टा इस तरह से साड़ी स्टाइल में आया है और दूसरा जो है वो मेरा पल्लू बना है और ये बांधनी दुपट्टा है और वही चूड़ियाँ, सारी ज्वेलरी बिल्कुल दुल्हन जैसे रेडी हो गई। एक्चुअली ये मांग टीका जो है इसे बोरला कहते हैं और ये बहुत ही राजस्थानी चीज़ है। अगर आपने देखी होगी तो राजस्थान में ऐसे गोल बोरला पहना जाता है। कल हमें मेहंदी लग गई थी और अब 3-4 दिन जो भी हम शूट करने वाले हैं कंटिन्यूटी में मेहंदी यूज़ होगी। हाजी, ये सरप्राइजेस तो कुछ नहीं, अभी और भी सरप्राइज देखना बाकी है जो इस हरियाली तीज में दोनों बहनों की जिंदगी में आएगा और उसकी झलक आपको दिखाएगा सास बहू और बेटियां। इश्क बुलावा जाने कब। मुंबई से आकिब खान के साथ आज तक ब्यूरो। इश्क बुलावा आवे जब। नैना एक कुमारी लड़की की तरह पूजा करेगी अपने करण को पाने के लिए। तुम्हारी तीज की पूजा को मैं पूरा होने ही नहीं दूंगी।